हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार वर्ल्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है, वो भी अच्छी स्थिति में यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि एक चित्र बना हुआ है जिसमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश जो ए और बी बिंदु पर हैं, जिनके बीच की दूरी 12 मीटर दिखाई गई है और यहाँ पर केंद्र है ओ। ओ से इस साइड पर आर माइनस एल है और इस साइड पर आर प्लस एल है। तो हमें इस पी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, जैसा कि लिखा हुआ है कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो कि परावैद्युतांक के में स्थित है, जसकी मध्य बिंदु ओ से दूरी स्मॉल आर है, अतः हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे यहां से अगर हम बात करें कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम E कह सकते हैं। E1 = क्या रहेगा, 1/4πε0 यानी 1/4πε0। और यहां से क्या लिखेंगे हम, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। क्वेश्चन फर्स्ट ये वाला साइड ले लेंगे, Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर माइनस क्यू आवेश के कारण की बात करें, यहां से हम लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम इसे लिख सकते हैं E2 = 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। इसे क्वेश्चन सेकेंड मान सकते हैं। तो यहां से हमने दो क्वेश्चन निकाल लिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट और एक क्वेश्चन सेकेंड। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट हमारे क्या निकल के आई, E1 = 1/4πε0 Q/R-L का होल स्क्वायर, और E2 = क्या निकल के आई, 1/4πε0 Q/R+ का होल स्क्वायर। तो अब हम इस पर प्रमाणित तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता यानी P बिंदु पर। तो प्रमाणित तीव्रता क्या हो जाएगी, चूंकि A बिंदु और B बिंदु जो है परस्पर विपरीत दिशा में है, अपोजिट साइड में है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता के लिए हम यहां से परिणामी तीव्रता हम कह सकते हैं E = E1 - E2। यहां से हम E1 - E2 ले सकते हैं, ये हमारी परमाणिक तीव्रता कहलाएगी यानी परिणामी तीव्रता कहलाएगी E1 और E2। यहां से हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो E1 E2 में क्या प्राप्त होगा, तो E1 की वैल्यू E हो जाएगी 1/4πε0 और यहां से K भी ले सकते हैं, परावैद्युतांक K, जैसा कि लिखा था हिंदी में कि परावैद्युतांक कैपिटल के है, तो यहां से के भी ले सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं Q/R-L का होल स्क्वायर -1/4πε0 Q/R+ का होल स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यानी एक सी चीज क्या चीज है। तो हम देख रहे हैं 1/4πε0 K और Q हमारी एक सी चीज है, तो इसको हम बाहर कर लेंगे। कैसे, यहां से हमने कर लिया Q/4πε0 K कोष्टक लगा दीजिए 1/R-L का होल स्क्वायर -1/R+L होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहां से हमने इतना कर लिया। तो अब यहां से हमें क्या लेना है, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम की बात करें तो Q/4πε0 K
और एलसीएम की बात कर लें तो एलसीएम हो जाएगा हमारा आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम। तो यहां से हम देखने आए कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये वाला पार्ट इस साइड मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और आर माइनस एल का मल्टीप्लीकेशन ऐसे वाले वन के साथ कर दिया जाएगा। तो लिख दीजिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसको आगे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से इसको थोड़ा बिगाड़ देते हैं, रफ कर देते हैं। तो आपने यहां तक तो नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, तो यहां से हम इसको इतना बिगाड़ देते हैं फिगर को, ठीक है, और यहां से इसको तो मैंने यहां तक प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद मैं यहां से आगे बढ़ता हूं और E इज इक्वल टू लिख दूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आर माइनस एल का स्क्वायर, तो बाहर माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, यहां से बदल गया। और इसको हम लिख सकते हैं यहां से आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और इसको एक ही कोष्टक में करके हम होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं। यहां से आप देख रहे होंगे आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया कि यहां से हमको मिला है E इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां से 2RL और 2RL को हम लिख सकते हैं 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहां से इतना हमने प्राप्त कर लिया। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए यहां से हम एक काम कर सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको लिख दीजिए आप आर को बाहर कर लीजिए यहां से 2 4 आर एल ये बना रहने दीजिए, और इसको लिख दीजिए आर के ऊपर 2, क्यों, क्योंकि यहां से हम ले लेंगे एल स्क्वायर को बहुत छोटा आर स्क्वायर की तुलना में, यहां से मान लेंगे कि आर स्क्वायर अति नग्न है, इतना सूक्ष्म है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहां से हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। छोड़ दिया मैंने तो आर की पावर 4 बचा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां से कितना मिल गया हमको, ये बन गया आपका 4RL और यहां पर R4, तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो हमारा बच्चा यहां से क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हमारा बच गया 4L बटे R क्यूब। तो आप समझ पा रहे होंगे यहां से कि मैंने एल स्क्वायर को छोड़ दिया क्योंकि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और आर से आर कैंसिल हो गया तो हमको बचा 4L अपान आर क्यू। अगर हम यहां से स्टेप को दोबारा आगे चलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू इस क्यू को अंदर ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लिख दें 2 इंटू 2, और क्यू को ले लें यहां से क्यू एल बटे आर क्यूब। आप समझ पा रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू होता है 2QL, आपने पढ़ा होगा 2QL वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसमें P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है 2QL, तो यहां से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो P हो जाएगी। तो रख दीजिए यहां से P वैल्यू, तो P वैल्यू आकर आपकी हो जाएगी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां पर आपका 2 और ये वैल्यू हो गई P,
तो यहां से आर क्यूब आ गया। यहां तक आप समझ पाए होंगे, आइए थोड़ा इसको रफ कर देते हैं यहां तक, आगे समझाते हैं आपको। तो आप यहां तक समझ पाए होंगे 1/4πε0k2πr³। तो अगर यहां से हम (=1/4πε0k) और 2π³ हो गया, और यहां से k को अगर हम हटा दें 4π0 2π³, तो हमारा व्यंजक ये प्राप्त हो जाएगा (=1/4πε0q), क्योंकि k=1 होता है, हम जानते हैं कहाँ 1 होता है, वायु में अथवा निर्वात में, दोनों जगह पर k की वैल्यू परावैद्युतांक हमेशा 1 लिया जाता है। तो इस प्रकार हमें अच्छी स्थिति में व्यंजक प्राप्त हुआ (=1/4πε0 2π³). तो यहां से हमें अच्छी स्थिति में व्यंजक प्राप्त हुआ, और इसका हमको व्यंजक प्राप्त करना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अच्छी स्थिति में, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में। तो हमने व्यंजक प्राप्त कर लिया (=1/4πε0 2π³). मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी स्थिति मैंने बताई और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। जब तक के ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी।